हरियाणा में नायब सैनी का नाम चल रहा है सीएम रेस में सबसे आगे, नए सीएम होंगे सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया, सूत्र जानकारी दे रहे हैं। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष है नायब सैनी और ओबीसी समाज से आते हैं, बड़े नेता है। आपको बता दें हरियाणा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, इसी के साथ साथ विधायक भी रहे और लंबे समय से काम करते आए हैं। जाना माना चेहरा है, आम जनता के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं। और किस तरह से देखिए, कयास लगाए जा रहे थे कि मनोहर लाल एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि ओबीसी समाज से नाता रखने वाले नायब सैनी जो है वो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो बड़ा बयान इस वक्त आपको बता दें, बीच में लीडर्स का सामने भी आया था और ये नाम रेस में सबसे आगे भी चल रहा था। विजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधे उनका हम रुक कर लेते हैं। विजय, क्या जानकारी आपके पास? ये वो नया चेहरा जो हरियाणा का नया मुख्यमंत्री, ओबीसी समाज के बड़े नेता हैं नायब सैनी, और न सिर्फ हरियाणा बल्कि अगर इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो साथ के जो स्टेट्स हैं उसकी राजनीति को भी साधेगी बीजेपी यहां से। बिल्कुल, नायब सैनी कुरुक्षेत्र सांसद हैं और भाजपा के अध्यक्ष हैं और उनके नाम पर अब मोहर लग चुकी है। आधिकारिक तौर पर उनका नाम फाइनल हो चुका है। कई जो विधायक बाहर निकले हैं बैठक से, अभी उन्होंने बताया कि चर्चा हुई बैठक में पर्यवेक्षकों के साथ और नायब सैनी का नाम फाइनल हो चुका है। अब नायब सैनी हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे और शाम 5 बजे वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले मनोहर लाल का नाम चल रहा था कि वो दोबारा से शपथ ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है सभी जो कयास लगाए जा रहे थे उन पर विराम अब लग चुका है और नायब सैनी के नाम पर मोहर जी को विधायक दल का नेता बना दिया है। 5 बजे शाम को वोट होगी। ठीक है, तो सुना आपने किस तरह से जी को विधायक दल का नेता बना दिया है। 5 बजे शाम को वोट होगी। ठीक है, तो बैठक से तमाम नेता बाहर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आज शाम 5 बजे शपथ होगी। और किस तरह से मनोहर लाल का इस्तीफा और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि बिहार की ही तरह हरियाणा में भी मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे और फिर मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा अब देखने को नहीं मिल रहा है। और देखिए, मनोहर लाल यहां पर बधाई देते हुए, नायब सैनी को मनोहर लाल यहां बधाई देते हुए, अब से पहले विधायकों की बैठक चल रही थी, विधायक दल की बैठक में ये सभी चेहरे मौजूद थे और जो तस्वीरें सामने आई थी, जो पर्यवेक्षक पहुंचे हुए थे चरुण चुग और साथ में अर्जुन मुंडा दिल्ली से जब पहुंचे थे तो उस तस्वीर में भी नायब सैनी नजर आए थे और वो तस्वीर भी बहुत कुछ बयां कर रही थी। वही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक दो दिन के अंदर वो आज भी कर सकता है, कल भी कर सकता है, लिस्ट जारी करे, वही डिसाइड करेगा। आपकी कोई नई भूमिका? नहीं नहीं, मेरी कोई है, मैं तो कार्यकर्ता की भूमिका में ही रहा हूँ और सदा कार्यकर्ता की भूमिका में रहूंगा। लोकसभा आखिरी आखिरी नहीं, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है कि लड़ना भी है कि नहीं भी लड़ना, ये वही डिसाइड। हाँ जी, हाँ जी, लगी लगी जी जी बिल्कुल। मैं मुझे मेरे से किसी से कोई बात नहीं, मीडिया के अंदर चर्चा थी, आपके माध्यम से मुझे बैठक में सहमति बनती हुई नजर आई, किसी ने ऑब्जेक्शन? ना ना, कोई सिंगल 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 भी ऐसा नहीं, हमारे यहाँ सर्वसम्मति से ही होता है और पार्टी को। तो ये करनाल से सांसद संजय भाटिया, इनका नाम भी चर्चा में चल रहा था मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन अब नायब सैनी का नाम फाइनल हो चुका है और उन्होंने कहा कि पार्टी का फैसला